इस दौर में कांग्रेस पार्टी की राजनीति राहुल गांधी तक सिमट गई है और राहुल गांधी की राजनीति जाति तक। वे जातिगत जनगणना की बात करते हैं, केंद्र सरकार में सर्वोच्च पदों पर ओबीसी अधिकारियों की संख्या गिनते हैं, बजट बनाने वाले अधिकारियों में ओबीसी गिनते हैं, अधिकारियों में ओबीसी की संख्या कम होने पर जातीय राजनीति करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र में ओबीसी अधिकारियों की संख्या कम क्यों है? आप कहेंगे कि पहले पंडित नेहरू और बाद में इंदिरा और राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण के लिए बनाए कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया, इसीलिए। आपका जवाब एकदम सही है। अब सवाल उठता है कि नेहरू, इंदिरा और राजीव ने ओबीसी आरक्षण पर कालेलकर और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया? तो आप कहेंगे कि नेहरू, इंदिरा और राजीव जातिगत आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। हम जानते हैं कि आप यही कहेंगे क्योंकि कांग्रेस और इकोसिस्टम ने इसी नैरेटिव को वर्षों तक विस्तार दिया है। बार बार यही कहा गया है कि कालेलकर और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने लागू नहीं किया क्योंकि वो जाति के आधार पर ओबीसी आरक्षण की विरोधी थी। लेकिन ये जानकारी अधूरी है। ये सही है कि नेहरू ने कालेलकर और इंदिरा राजीव ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया, लेकिन इसीलिए नहीं कि वो जाति के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि ओबीसी को आरक्षण देकर वे मुस्लिमों को नुकसान नहीं करना चाहते थे। अब आप कहेंगे कि हम ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं, इसका साक्ष्य क्या है? तो आइए देश के राजनीतिक इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का फर्स्ट चैप्टर है द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। मंडल कमीशन ने इस चैप्टर में स्वतंत्रता के बाद ओबीसी आरक्षण के लिए बनाए गए पहले कमीशन के बारे में बात की। दरअसल 29 जनवरी 1953 को समाज सुधारक काका कालेलकर की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के लिए पहला कमीशन बनाया गया था। 30 मार्च 1955 को कमीशन ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात तो छोड़िए, उस पर संसद में भी चर्चा तक नहीं हुई। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पंडित नेहरू ओबीसी को जाति के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहते थे। सवाल है कि ऐसा क्यों था? पंडित नेहरू जातिगत आधार पर आरक्षण के विरोधी क्यों थे? इसे समझने के लिए हमें कालेलकर की एक चिट्ठी को देखना होगा। दरअसल सरकार को कमीशन की रिपोर्ट सौंपने के बाद कालेलकर ने राष्ट्रपति को 30 पेज की एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में उन्होंने जो लिखा उसके कुछ अंश मंडल कमीशन की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। उन्होंने लिखा, रिपोर्ट में जातिगत आधार पर आरक्षण की सिफारिश के खतरों को लेकर मेरी आंखें तब खुल गई जब मुझे समझ आया कि जातिगत आधार पर आरक्षण का दुष्प्रभाव मुस्लिमों और ईसाइयों पर पड़ेगा। सवाल उठता है कि लगभग 2 वर्ष की मेहनत से जिन कालेलकर ने ओबीसी को जातिगत आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में पूरी रिपोर्ट तैयार की, वे कालेलकर अचानक ही जातिगत आरक्षण के विरोधी कैसे हो गए? राजनीतिक पंडित कहते हैं कि उस दौर में पंडित नेहरू को कुछ लोगों ने भारतीय राजनीति का मसीहा बना दिया था। कालेलकर को जब ये बात पता चली कि पंडित जी इस बात से नाराज है कि आरक्षण में मुस्लिमों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है, इसके बाद कालेलकर ने राष्ट्रपति को वो चिट्ठी लिखी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि नेहरू ओबीसी आरक्षण या फिर जातिगत आरक्षण के विरुद्ध थे क्योंकि उन्हें मुस्लिमों के नुकसान की या फिर उन्हें आरक्षण ना मिलने का डर सता रहा था। मजे की बात तो यह है कि यह बात कभी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनने दी गई, बल्कि नैरेटिव ये खड़ा किया गया कि नेहरू जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्षधर थे। नैरेटिव गढ़ा गया कि जातिगत आरक्षण से जातियों में खाई पैदा होती, इसलिए नेहरू ने उसका विरोध किया था, जबकि प्रतीत होता है कि जातिगत आरक्षण से मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिल पाता, इसलिए नेहरू ने उसका विरोध किया था। कालेलकर और पंडित नेहरू से अब मंडल कमीशन और इंदिरा राजीव गांधी पर आते हैं। 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के लिए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। 31 दिसंबर 1980 को बीबी मंडल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन तब तक जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार बनी, उन्होंने भी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया। इसके बाद 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किया। सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने ओबीसी को जातिगत आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिया? कांग्रेस की सरकारों ने इतने वर्षों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर क्यों रखा? इसका जवाब हमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भाषण से मिलता है। दरअसल मंडल कमीशन पर संसद में चर्चा के दौरान कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का विरोध करते हुए राजीव गांधी ने कहा था, मंडल कमीशन ने पूरी तरह से जाति को देखा है, अल्पसंख्यक वर्ग को उन्होंने शामिल नहीं किया जबकि अल्पसंख्यक वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए था। यदि आप मुस्लिमों को देखेंगे, भारत में मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोग शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं। राजीव गांधी के इस बात से स्पष्ट होता है कि भले ही जातिविहीन समाज जैसे तमाम आदर्शवादी तर्क ओबीसी आरक्षण न देने के पक्ष में कांग्रेस देती रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि मुस्लिमों की वजह से उन्होंने ओबीसी आरक्षण को दबाए रखा। प्रतीत होता है कि कांग्रेस ओबीसी जातियों को आरक्षण देने के बजाय कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहती थी जिससे कि सभी मुस्लिमों को आरक्षण के दायरे में लाया जा सके। कांग्रेस की मंशा राज्यों में उसकी आरक्षण नीति से भी स्पष्ट होती है, क्योंकि कांग्रेस जब केंद्र के स्तर पर पूरे देश में मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दे पाई, तब उसने जहां राज्यों में सरकार बनाई वहां ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिमों को भी घुसा दिया।
राजनीतिक पंडित कहते हैं कि आज जब राहुल गांधी पूरे देश में सबकी जाति पूछते घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जाति के आधार पर लोगों को लाभ मिलना चाहिए, तब लोगों को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदू ओबीसी जातियों के आरक्षण को वर्षों तक दबाए रखा।